उत्तराखंड की पंचायतों के काम की चर्चा अब न केवल उत्तराखंड में बल्कि दूसरे प्रदेशों की पंचायतों के लिए भी मिसाल बन चुकी है। इसी कड़ी में विकास कार्यों को जानने के लिए जम्मू के सरपंचों का एक विशेष दल उत्तराखंड पहुंचा, जिसने पंचायतों को विकसित करने के गुण सीखे। देहरादून की विकसित पंचायतों की चर्चा यहाँ के काम करने के तरीके से हो रही है, जिसने विकास कार्यों के लिए सरकार से मिलने वाले फंड के अलावा आय के अलग अलग साधन के तौर पर दुकानें और मैरिज हॉल बनाए हैं, जिससे आम जनता को भी रोजगार मिल रहा है। वहीं गांव को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़े का भी बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है, जिसकी तारीफ करते हुए जम्मू कश्मीर के सरपंच रेणु शर्मा ने बताया कि यहाँ की पंचायतों ने अपने आप को विकसित किया है, सरकार के ऊपर निर्भरता न रखकर ये खुद अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वहीं सरपंच कश्मीर सिंह ने कहा कि यहाँ की पंचायतों ने काफ़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया है, जो देखते ही बनता है। पंचायतों ने यहाँ लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया है। मतलब इतनी डेवलप पंचायत है कि कहीं किसी एंगल से लग ही नहीं रहा है कि पंचायत एकदम ऐसे सिटी के साथ बिल्कुल मैच एंड मिक्सअप हो गई है। और सेकंड थिंग, यहाँ की इतनी अच्छी डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लागू किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने सेग्रीगेशन का हमें बताया कि यहाँ पर किस तरह से कचरे को जो है सेग्रीगेट किया जाता है और जो है मेन्यू तैयार की जाती है। सेकेंड थिंग, इन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट किया, उस रेवेन्यू से ये इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी पंचायत को सुंदर बनाया है। होली सोली की सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है कि सरकार ही हमें फंड देगी तो हम लोग काम करेंगे, तो अपना रेवेन्यू उन्होंने खुद जनरेट किया, बहुत अच्छी बात है। और इस चीज़ से मतलब हमने बहुत सीखा कि किस तरह से हमें भी अपना रेवेन्यू जो है जनरेट करना चाहिए। और मैं आशा करूँगी और कोशिश करूँगी हमारे जितने भी सरपंच यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपनी पंचायतों में जाकर इसी तरीके के जो नए इनोवेटिव काम हैं वो इम्प्लीमेंट। ग्राम पंचायत बडकोट में हमने मुलाहिजा किया, यहाँ के पंच साहिबान व सरपंच साहिबान ने बहुत ही इस्तेमाल किया और पंचायत घर में लेकर पूरे जो भी इस क्षेत्र में काम हुए हैं पंचायत के थ्रू, उससे पूरा अवगत कराया हमें। इस पंचायत को देखने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि इन्होंने निहायत ही लगन और बड़ी मेहनत से लोगों की बेहबूदी के लिए काम सरंजाम दिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के प्रथम सिंगरौली आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक राजेंद्र सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सिंगरौली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।